तो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट लाइन गुरु चैनल में। मेरा नाम है प्रकुल और मैं हूं प्रियंका। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले दूसरे टेस्ट मैच की। अब ये जो मुकाबला है दोस्तों, ये कई तरह से देखें तो बेहद दिलचस्प होने वाला है। एक तो टीम इंडिया पहले ही 1-0 से लीड कर रही है, यहां पर ये मैच जीतती है दिल्ली में जो मुकाबला होगा तो 2-0 से लीड कर जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है एक बल्लेबाज जिसके लिए ये पूरा वीडियो बन रहा है और वो है चेतेश्वर पुजारा। जी हाँ दोस्तों, भारत के दिग्गज बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा टेस्ट करियर में 100वां मैच खेलने की तैयारी कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी वॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दूसरे मैच में पुजारा पर सबकी नजरें होंगी, क्योंकि भैया दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में उनके पास इतिहास रचने का मौका होगा। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि पुजारा अगर अपने 100वें टेस्ट मैच में शतक लगा लेते हैं तो वो कई रिकॉर्ड्स तो अपने नाम करेंगे ही, साथ ही 100वें टेस्ट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अब तक भारत के किसी भी बल्लेबाज ने अपने 100वें टेस्ट में शतक नहीं लगाया है और पुजारा भारत के लिए 100वां टेस्ट खेलने वाले भी 13वें बल्लेबाज बन जाएंगे। अगर बात करें उनसे ज्यादा टेस्ट मैचेस खेलने वाले खिलाड़ियों की दोस्तों, तो इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, अनिल कुंबले, कपिल देव, सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर, सौरव गांगुली, विराट कोहली, ईशांत शर्मा, हरभजन सिंह और वीरेंद्र सहवाग है। दोस्तों बता दें कि पुजारा 99 टेस्ट के साथ पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन की बराबरी पर हैं, क्योंकि अजहर ने अपने करियर में 99 टेस्ट मैच खेले थे। और दोस्तों 100वें टेस्ट में अगर शतक लगाने की बात करें तो दुनिया भर में 10 बल्लेबाज ये उपलब्धि हासिल कर पाए हैं। इंग्लैंड के कॉलिन कॉड्रे वो पहले बल्लेबाज थे जिन्होंने अपने 100वें टेस्ट में शतक जड़ा था। चलिए अब ग्राफिक के जरिए आपको उन 10 बल्लेबाजों के नाम भी बताते हैं जिन्होंने ये कारनामा किया है। सबसे पहले तो आते हैं कॉलिन कॉड्रे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 104 रन बनाए थे। इसके बाद जावेद मियांदाद ने इंडिया के अगेंस्ट 145 रन बनाए। गॉर्डन ग्रीनेज ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 149 रन की पारी खेली थी अपने 100वें टेस्ट में। एलेक्स स्टीवर्ट ने 105 रन बनाए थे वेस्टइंडीज के खिलाफ। इंजमाम हुलक ने 184 रन बनाए थे इंडिया के खिलाफ। वही रिकी पोंटिंग ने अपने 100वें टेस्ट मैच में 2 सेंचुरी जड़ी थी दोस्तों। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहली पारी में थे 120 रन, तो वहीं दूसरी पारी में नॉट आउट रहे थे 143 रन के साथ। इनके बाद आते हैं ग्रैम स्मिथ जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 131 रन बनाए। हाशिम आमला ने श्रीलंका के खिलाफ 134, जो रूट ने इंडिया के अगेंस्ट 218। वहीं डेविड वार्नर ने अपनी 100वें टेस्ट में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 200 रन की पारी खेली थी। वेल बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस टेस्ट में पुजारा के पास ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2000 रन पूरे करने का मौका होगा, क्योंकि उन्होंने फिलहाल कंगारू टीम के खिलाफ 21 मैचों की 38 पारियों में 1900 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 5 शतक और 10 अर्धशतक लगाए हैं। जी हां बिल्कुल, क्योंकि पुजारा अगर दिल्ली टेस्ट में 100 रन बना लेते हैं तो वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में 2000 रन बनाने वाले चौथे भारतीय बन जाएंगे। इसके अलावा अगर उनके बल्ले से 244 रन और निकल जाते हैं तो वो द्रविड़ से भी आगे निकल जाएंगे। भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज में अगर हम बात करें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की, तो दोस्तों इस लिस्ट में है सचिन तेंदुलकर जिन्होंने 39 मैचेस खेलते हुए 3630 रन बनाए हैं। अगला नाम है रिकी पोंटिंग का जिन्होंने 29 मैचेस खेलते हुए 2555 रन बनाए हैं। इनके बाद है वीवीएस लक्ष्मण जिन्होंने 29 मैचेस खेलते हुए 2434 रन बनाए हैं। अगला नाम है राहुल द्रविड़ का जिन्होंने 32 मैचेस खेलते हुए 2143 रन बनाए हैं। अगला नाम है दोस्तों माइकल क्लार्क का जिन्होंने 22 मैचेस खेलते हुए 2049 रन बनाए हैं। और इनके बाद नंबर आता है चेतेश्वर पुजारा का जिन्होंने 21 मैचेस खेले हैं और 1900 रन बनाए हैं। इनके बाद है मैथ्यू वेट जिन्होंने 18 मैचेस खेलते हुए 1888 रन बनाए हैं। उनके बाद आते हैं स्टीव स्मिथ जिन्होंने 15 मैचेस खेलते हुए 1804 रन बनाए हैं। तो वहीं दोस्तों वीरेंद्र सहवाग ने 1738 रन बनाए हैं 22 मैचेस खेलते हुए। और आखिरी नाम है यहां पर विराट कोहली का जिन्होंने 21 मैचेस खेले हैं और 1694 रन बनाए हैं। अब दोस्तों बड़ा सवाल ये आता है कि क्या पुजारा ये जितने भी रिकॉर्ड्स हमने बताए हैं क्या वो बनाने में सक्सेसफुल हो पाएंगे? आपकी क्या राय है इस बारे में भैया? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जवाब जरूर दीजिए। इसी के साथ दोस्तों जाने से पहले चलिए नजर डाल लेते हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में आखिर क्या हो सकती है टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11। तो सबसे पहले बात करते हैं टीम इंडिया के बारे में। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएस भरत, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, आर अश्विन, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज। वहीं ऑस्ट्रेलिया की अगर हम प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 निकालें तो यहां पर आते हैं डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा, ट्रेविस हेड, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, पीटर हैंडस्कॉम, कैमरून ग्रीन अगर वो फिट होते हैं तो, एलेक्स कैरी, पैट कमिंस, नथान लायन और जॉश हेजलवुड। तो भाई लोग ये थी पूरी कहानी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले सेकेंड टेस्ट मैच की जो खेला जाएगा दिल्ली में कल सुबह 9 बजे से।
फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो पर लगाते हैं लगाम, हम जल्द हाजिर होंगे क्रिकेट की और तमाम अपडेट्स के साथ। तो भैया क्या करना है, जुड़े रहना है क्रिकेट लाइन गुरु के साथ, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे आपको मिलती रहे क्रिकेट से जुड़ी तमाम अपडेट्स। इसी के साथ दोस्तों क्रिकेट से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स को जानने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको है क्रिकेट की भरपूर नॉलेज, हर एक मैच में अपनी टीम बनाने की ललक, तो हम दे रहे हैं आपको रियल कैश प्राइज जीतने का मौका माई 11 ग्रुप ऐप के जरिए, जिसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपना फेवरेट मैच, अपने क्रिकेट की नॉलेज से बना सकते हैं खुद की एक टीम और अपनी सहूलियत के हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं ये कॉन्टेस्ट, और आसपास के लोगों और दोस्तों को रेफर करने पर भी आप जीत सकते हैं ढेर सारा कैश बोनस प्राइज। तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए माई 11 ग्रुप ऐप और जीतिए ढेर सारा कैश प्राइज।